कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे हो। मैं कोई शूट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आज अच्छा दिख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बाल कम कट किया है एंड बाल सेट भी हो रहे थे, इसके लिए कोई ट्रिक बता देना। मैं तुम लोग से एडवाइस मांग रहा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब है बट दे देना, क्योंकि मैं ये सब मैं अच्छा नहीं हूँ। बट प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि जेल लगाया करो, क्योंकि जेल से बाल वाइट हो जाते हो और मैं वाइट बाल में। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप परफेक्ट ड्राइव कैसे कर सकते हो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मीन जैसे गोली रिक्वायर मार रहे या ये प्रॉब्लम हो रहा है, मीन्स आप सही से ड्राइव नहीं कर रहे, तो मैं आज के वीडियो में आपको एकदम परफेक्ट ड्राइव बताने वाला हूँ, जिससे आप एकदम इजिली हेडशॉट मार पाओगे, वन शॉट मार पाओगे, जैसे कि आप बैगों में देख रहे हो। मीन्स आपको कितना ड्राइव करना चाहिए, कौन सा ड्राइव करना चाहिए, इनके हिसाब से सब कुछ मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस बिना आज के वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से प्यारे से ट्रांजेक्शन के बाद। तो गाइस विनय को डाइव किया गाइस, हम लोग जान लेते हैं कि आप परफेक्ट ड्रैग कैसे पता लगा सकते हो। उससे पहले एक चीज ध्यान में रखना, तीन ड्रैग बताने वाला हूँ एक शॉर्ट रेंज के लिए। मतलब तीन ड्रैग मतलब ये है कि तीन रेंज का मैं ड्रैग बताऊंगा, शॉर्ट रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए और मिड रेंज के लिए। तीन ड्रैग नहीं बताने वाला, एक्चुअली तीन रेंज के हिसाब से ड्रैग बताऊंगा, एम के हिसाब से ड्रैग बताऊंगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि है शॉर्ट रेंज, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रैग। आप कैसे भी ड्राइव करके इधर हेडशॉट मारने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड लॉन्ग रेंज में तो क्या है कि आप धीरे से स्ट्रेट ड्राइव भी करते तो हेडशॉट लग जाते हैं, बट शॉर्ट रेंज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो शॉर्ट रेंज में आपको कौन सा ड्राइव करना चाहिए और कितना ड्राइव करना चाहिए, इतना सबको पता चल चुका होगा कि एम दूर रहा तो रोटेशन ड्राइव करते बॉडी पे, तो स्ट्रेट ड्राइव करते। तो एक चीज ध्यान में रखना, जरूरी नहीं कि आपका जो एम है एनिमीज के बॉडी के ऊपर हो तो ही आप स्ट्रेट ड्राइव करो, अगर बॉडी से दूर है तो भी आप डायरेक्ट हेडशॉट के लिए ड्राइव कर सकते हो। और जैसे कि देख सकते हैं स्क्रिप्ट में मैंने किया भी है, बट आपको रोटेशन ड्रैग थोड़ा सा दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा ड्रैग वाला जो बटन है वो नीचे आ जाता है, वो आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा। आप एक बार क्लिक करो थोड़ा सा ड्रैग वाला बटन जो है नीचे आ जाएगा, और फिर आप इधर भी ड्रैग करो थोड़ा सा रोटेशन ड्रैग जैसे ही दिखता है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर एक बार रोटेशन ड्रैग करने की जरूरत है, कभी कभी क्या होता है बंदा जो है इधर उधर होता रहता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो हम लोग इन्हें ड्रैग वाले बटन को होल्ड करके ऐसे करके लेके जाते हैं, मीन जिधर जिधर बंदा जा रहा है ड्रैग वाले बटन को होल्ड करके उधर उधर लेके जाते हैं, जिससे एम भी उसके हेड के ऊपर चला जाए। मीन्स हम लोग कैसे भी करके एम को किना एनिमीज के हेड के ऊपर लेके जाते हैं, जो कि ड्रैग वाले बटन को यूज करके करते। तो या गाइस अगर आपका एम दूर है एनिमीज से तो आप डायरेक्ट हेडशॉट के लिए भी ड्रैग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप रोटेशन ड्रैग ही करो, रोटेशन ड्रैग भी कर सकते हो। रोटेशन ड्रैग होता क्या, दो तरह के रोटेशन ड्रैग होते हैं, जो हर एक गोली पे एक रोटेशन ड्रैग करते हैं जिससे हेडशॉट लगते हैं कभी कभार और ज्यादा कटाए तो गोली रिपेयर मारते हैं, और दूसरा रोटेशन ड्रैग ऐसा होता है जिसमें हम लोग एम के हिसाब से रोटेशन ड्रैग करते हैं, उसको परफेक्ट रोटेशन ड्रैग नहीं बोलेंगे, जो हर गोली पे घुमाते हैं, हर गोली पे घुमाते हैं, एम के हिसाब से हम लोग घुमाते हैं। अगर एम एनिमीज के बॉडी के बहुत ज्यादा पास है तो थोड़ा सा जोर से करते जिससे बॉडी के ऊपर एम स्टक ना हो, दूर है तो थोड़ा सा धीरे से करते जिससे हेडशॉट लगे। मीन्स एम को कैसे भी करके हेड पे पहुंचाना, अभी दूर है एम एनिमीज के बॉडी से तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि बंदा इधर है एम इधर है, तो हम लोग ड्रैग वाले बटन को इस साइड पे ले लेंगे फिर ऊपर लेंगे ना, वही ड्रैग हम लोग को रोटेशन ड्रैग दिखता है। तो ऐसा ही है, मीन एम के हिसाब से ड्रैग करना, और ये बहुत ज्यादा बेस्ट ड्रैग होता है। इसको आप रैंक में भी यूज कर सकते हो, सीएस रैंक में भी यूज कर सकते हो, हर जगह पे मीन कस्टम में भी आप यूज कर सकते हो, और इसका कोई ज्यादा लॉस पॉइंट नहीं होता। जैसे रोटेशन ड्रैग में हर एक बार रोटेशन ड्रैग करो तो हर एक बार रोटेशन ड्रैग करो, ऊपर से जोर से भी करना पड़ता है तो गोली रिपेयर मारता है, लगेगा तो वन शॉट लगेगा नहीं तो गोली रिपेयर मारेगा। और एक दूसरा ड्रैग जो आप शॉर्ट रेंज में कर सकते हो वो है स्ट्रेट ड्रैग, मीन डायरेक्ट हेडशॉट के लिए ड्रैग करना। तो ये ड्रैग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर शॉर्ट रेंज में, बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में। अगर आपका एम एनिमीज की चेस्ट के ऊपर है तो आप स्ट्रेट ड्रैग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। आप उधर रोटेशन ड्रैग या कुछ भी करने जाओगे तो आपका गोली रिपेयर मारना ही है। बट एक चीज ध्यान में रखना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एम एनिमीज के हेड की इधर है, मीन्स आपका एनिमीज का हेड इधर है, ऑफकोर्स इधर ही रहेगा, बट आपका एम इधर है तो आप हल्का सा ही ड्रैग करोगे ना, मीन्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग और आपका उंगली खुद कर देगा उधर। आपको अपना ज्यादा दिमाग यूज करके रोटेशन ड्रैग या स्ट्रेट ड्रैग नहीं करना है। कुछ बंदे होते हैं जो हर एक गोली पर रोटेशन ड्रैग करते हैं तो उधर भी रोटेशन ड्रैग करते हैं तो गोली रिक्वायर मारता है, सिंपल ड्रैग करोगे तो भी आपके हेडशॉट लग जाएंगे। अभी बात करते हैं मिड रेंज की, तो मिड रेंज में आपको कौन सा ड्रैग करना चाहिए, तो मिड रेंज में भी वही ड्रैग करना है जो हम लोग ने शॉर्ट रेंज में किया था, बस थोड़ा सा कम जोर से। और बात करें लॉन्ग रेंज की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग रेंज में आपको कौन सा ड्रैग करना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में हर एक गन का एक्यूरेसी कम हो जाता है। सबसे पहले आपको कम ड्रैग तो करना है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में एक्यूरेसी कम है तो आप ज्यादा जोर से ड्रैग करोगे तो गोली रिक्वायर मारेगा। बट कौन सा ड्रैग करना चाहिए, इधर रोटेशन ड्रैग मत करना लॉन्ग रेंज में, ज्यादा लॉन्ग रेंज में रोटेशन ड्रैग करोगे गोली रिक्वायर मारेगा ही मारेगा, डायरेक्ट हेडशॉट के लिए ड्रैग करो।
नहीं तो एम के हिसाब से ड्रा करो, और लॉन्ग रेंज में बहुत कम चांस होते कि आपका जो एम है एनिमीज के बॉडी के ऊपर हो। कभी कभारी होगा कि आप कंटिन्यू फायरिंग करो जैसे MP40, तो उसमें स्ट्रेट ड्रा करोगे तो आपके ज्यादा अच्छे वन शॉट लगेंगे। तो आपको एम के हिसाब से ड्रा करना, या डायरेक्ट हेडशॉट के लिए ड्रा कर सकते हो, या स्ट्रेट ड्रा भी कर सकते हो अगर आप कंटिन्यू फायरिंग करने वाला गन चला रहे हो, जैसे MP40 UMP AK-47 जो लॉन्ग रेंज में हम लोग मारने के लिए यूज करते हैं, उसमें आप स्ट्रेट ड्रा करोगे तो एकदम इजिली हेडशॉट लग जाएगा। और बात करें कि आपको कौन से रेंज में कितना ड्रा करना चाहिए, तो शॉर्ट रेंज में आपको जोर से ड्रा करना है, थोड़ा सा जोर से ड्रा करना पड़ता है लॉन्ग रेंज के मुकाबले शॉर्ट रेंज में। और बात करें कि अगर आपका एम एनिमीज के बॉडी के ऊपर है तो कैसा ड्रा करना चाहिए, तो आपका एम अगर एनिमीज की ज्यादा बॉडी के ऊपर है तो आपको डायरेक्ट क्विक ड्रा करो, मतलब थोड़ा क्विक ड्रा करो जिससे झटके से आपका एम ऊपर आए, या अगर आपका एम एनिमीज के ऐसे इधर है चेस्ट पे तो आपको एकदम जोर एकदम क्विक ड्रा नहीं करना, नहीं तो हेड के ऊपर गोली जाता है, ऊपर से जाता है, मतलब हेड पे नहीं लगता, तो उधर आप थोड़ा सा लाइट ड्रैग कर सकते हो। मीन ज्यादा ड्रैग करना है बट धीरे से करना है, क्विक ड्रैग नहीं करना है। और बात करूँ मिड रेंज की, तो मिड रेंज में भी कुछ ऐसा ही करना है, सब कुछ एम के ऊपर डिपेंड करता है, एम कितना दूर है एनिमी से, कितना पास है, कितना ऊपर है, और गन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई कोई गन में एक्यूरेसी ज्यादा होता है जैसे एमोनेटर्स होता है, उसमें ज्यादा जोर से करना पड़ता है, और कोई कोई गन में कम होता है जैसे वुड पेकर, तो उसमें धीरे से करना पड़ता है। तो पूरा आपके एम और आपके गन के एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। चलो गाइस आज की वीडियो था, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब बटन को जोर से घुसी दो तो टूट जाए एंड सब्सक्राइब हो जाए, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे वाले को भी कर देना प्लीज। तो चलो गाइस आज की वीडियो इतना, मिलते हैं शुरू में, तब तक बाय बाय एंड पीस।